जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली जो बच्चे बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, जो उन्होंने पेपर दिया है एसएससी जीडी का और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके हैं मेरे पिछले वीडियो पे कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप फिजिकल की कट ऑफ पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ फिजिकल की नहीं, मैं आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा कितने नंबर पे होगी, मेडिकल के लिए भी बताऊंगा और फाइनल सिलेक्शन भी कितने नंबर पर आपका हो जाएगा इसको भी बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 100% गारंटी के साथ मैं बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी चली जाएगी और कितनी हाईएस्ट जा सकती है मैक्सिमम, और लो से लो कितनी जा सकती है। दोनों चीजों में अभी आपके सामने कंपैरिजन करूंगा। इनके पीछे के क्या रीजन है वो मैं पिछले जो मेरा बड़ा वीडियो उसको देख लीजिए आप, उसमें पूरा सोल्व कर रखा है कि किस प्रकार से ये आंकड़े निकल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें पूरा कंपैरिजन कर रखा है कि क्यों कट ऑफ इतनी जाएगी उसके बारे में। अब मैं आपके सामने सीधे आपके नंबर लेके आया हूं कि कितने नंबर पर कट ऑफ जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, सबसे पहले तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो आप एक बार जय हिंद जरूर लिख दे कमेंट बॉक्स में। अब बताता हूं मैं आपको, देखिए 2021 की अगर हम बात करें फिजिकल की, तो अरुणाचल प्रदेश से 30% यानी जिसने 30 नंबर लाया जनरल कैटेगरी का 100 में से, वो फिजिकल क्वालिफाई हो गया। तो इस बार सर, इस बार अगर आपके 48 नंबर है हाईएस्ट, तो आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाओगे। लो से लो अगर आपके इस बार 30 नंबर भी है तो भी आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, 30 नंबर पर भी, लेकिन एक नियम के अनुसार आपके कम से कम 36 के आसपास नंबर तो होने ही चाहिए, यानी 20% से ऊपर तो होने ही चाहिए। अब 2021 में मेडिकल की कट ऑफ कितनी गई थी, ये जो कट ऑफ है ये है फिजिकल के लिए। मेडिकल की कितनी गई तो मैं बताऊं, 2021 में मेडिकल गई थी 33%, यानी इस बार अगर आपके 55 नंबर है तो आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाओगे। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से, अगर आप जनरल कैटेगरी से। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं लाड लो, तो अगर आपके 50 नंबर भी है तो आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे, साथ में मेडिकल भी क्वालिफाई कर जाओगे। ये 100% आंकड़े, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो आपके मन में कोई भी डाउट शंका कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट है लाड लो, सॉरी फाइनल रिजल्ट कितना जा सकता है अरुणाचल प्रदेश से, कि फाइनल रिजल्ट कितनी जा सकता है अरुणाचल प्रदेश से। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, देखना ध्यान से। 2021 में पोस्टें कम थी आप सभी को पता है, जबकि पेपर देने वाले बच्चे ज्यादा था। दो इस बार क्या हुआ है कि पेपर देने वाले बच्चे सिर्फ 35 लाख है और पोस्ट ऑफ वैकेंसी 46,000 है, तो यानी कट ऑफ उससे ऊपर नहीं जा सकती। पेपर का लेवल भी हार्ड हुआ है, ना कि इजी हुआ है। पेपर इजी या हार्ड हो सकता है, लेकिन लेवल है उसका जो टाइम सीमा है वो कम हुई है, पेपर में चेंजिंग होने की वजह से कट ऑफ नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, इस बार आपकी जो अरुणाचल प्रदेश है बीएसएफ की हाईएस्ट कट ऑफ चली जा सकती है 36%। 36 का मतलब अगर आप ऐसे निकालोगे, यानी अगर आपके 55 नंबर भी है तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे अरुणाचल प्रदेश से। कितने नंबर पर? 55 नंबर पर। ठीक है, और लो से लो एसटी कैटेगरी की जो लो से लो गई थी वो लाड लो गई थी 33%, यानी अगर आपके 50 नंबर भी है तो सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, चाहे कोई सी भी फोर्स में हो, आपका सिलेक्शन 50 नंबर पर भी अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। अगर आपने 160 में से 50 नंबर भी अचीव कर लिए, इसका मतलब आपका श्योर सिलेक्शन है। क्योंकि पिछली बार आपको मैं बताऊं, एसएसबी की जो कट ऑफ गई थी 35% पे गई थी, आईटीबीपी की गई थी फाइनल मेट 45 पे गई थी, और एआर की गई थी 45% पे। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपके 60 नंबर के आसपास है तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला ही नहीं है अगर अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अगर आप 60, अगर आप 50 से ऊपर भी है तो 100% श्योरिटी में है कि आपका सिलेक्शन होगा, बहुत कम चांस है कि आपका नहीं होगा। और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है, संदेह रहता है, आप कमेंट करके मेरे को बताइए, आपके नंबर बताइए, आपके कितने नंबर हैं, उसके आधार पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। लाड जय हिंद जय भारत।